अनाज और सब्जी के खुदरा दाम में तेजी के कारण अगस्त महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या खुदरा महंगाई दर 7% रही। इससे पहले जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.71% थी। तब यह माना जा रहा था कि आने वाले महीनों में इसमें नरमी आएगी, लेकिन इसके उलट अगस्त में खुदरा महंगाई में करीब 0.29% की वृद्धि हुई है। अगस्त में रिटेल महंगाई 3 महीनों की गिरावट के बाद बढ़कर 7% हो गई है। जुलाई में ये 6.7% थी, यानी एक साल पहले अगस्त 2021 में ये 5.30% थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI आधारित रिटेल महंगाई दर के आंकड़े सोमवार यानी 12 सितंबर को जारी किए गए। खाने पीने का सामान, खास तौर पर दाल, चावल, गेहूं और सब्जियों की कीमतों में बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ी है। अगस्त में फूड इन्फ्लेशन 7.62% हो गई। रिटेल महंगाई दर लगातार 8 महीनों से RBI की 6% की ऊपरी लिमिट को पार किए हुए। जनवरी 2022 में 6.01% थी, फरवरी में 6.07%, मार्च में 6.95%, जून में 7.01%, जुलाई में 6.71% और अगस्त में ये बढ़कर 7% हो